हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज देवशीष अवस्थी। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वीडियो लेक्चर सीरीज। तो मैं आपके सामने पॉलिटी सब्जेक्ट को डील करूंगा, ठीक है। तो पॉलिटी में हमने बता चुका हूं मैंने पिछले वीडियो में कि किस तरह हम आगे मूव करेंगे। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो बेसिक्स ऑफ पॉलिटी है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम पार्ट डील करने वाले हैं, एटलीस्ट ये लिटिल बिट बेसिक्स है जो आपको आइडिया होगा तो आपको आगे बेनिफिट होगा और आपको बेटर समझ में आएगा। तो लेट स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ पॉलिटी। सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में भी। तो ऑलवेज कोई पूछे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आंसर वुड बी सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। ये एक सबसे बड़ा लॉ है, इट्स अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। और कोई भी अदर लॉ आर सबॉर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, तो इट इज नोन एज सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री विच मेक्स द गवर्नमेंट वर्क। वो गवर्नमेंट को किस तरह काम करना है वो अपन को बताता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, बट अभी हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील कर रहे हैं और बहुत बेसिक डील कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैंने अगला टॉपिक लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब होता है, देखिए आपको पता है अपने यहां जो पीपल है वो बहुत डायनेमिक होते हैं, ठीक है, दे चेंजेस, ठीक है। तो पीपल आर डायनेमिक एंड पीपल ही डिसाइड, ठीक है, पीपल डिसाइड करते हैं अपना क्या, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑलवेज रिमेंबर, पीपल डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड पीपल आर डायनेमिक, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो वेरी डायनेमिक, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो इतना बेसिक पॉइंट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। रिटन सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, इट मेक्स द गवर्नमेंट वर्क एंड इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम डील करते हैं, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। देखिए व्हाट इज मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिटेड करना। गवर्नमेंट कहीं ऑटोक्रेट ना हो जाए, उसके पावर्स को आप लिमिटेड कर दीजिए, उसे कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब गवर्नमेंट के पावर्स को हम लिमिटेड कैसे करेंगे, आगे डाउट में आएगा आपका। तो देखिए हमारे यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कैसे आ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल है रूल ऑफ लॉ, हमारे यहाँ लॉ ही सुप्रीम है, ठीक है। चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो संजय दत्त हो, कोई भी हो, अगर वो लॉ के अगेंस्ट जाएंगे दे विल गेट द पनिशमेंट। सो देयरफॉर लॉ अपने यहाँ सुप्रीम है। इवन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है वो भी अगर लॉ के अगेंस्ट जाएंगे दे विल गेट पनिशमेंट। तो लॉ हमारा सुप्रीम है, तो गवर्नमेंट को क्या करता है, वो लिमिटेड कर देता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। सेकेंड एग्जाम्पल होता है गवर्नमेंट हमारे यहाँ टेम्प्ररी होती है, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार गवर्नमेंट बन गई तो परमानेंट है, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। तो ये ऑल्सो गवर्नमेंट को क्या बना देता है, लिमिटेड। उसके बाद अनलिमिटेड पावर्स नहीं हो पाते, क्योंकि 5 साल बाद उसको वापस जनता के पास जाना पड़ेगा और वापस ही वोट्स मांगने पड़ेंगे। दैट इज व्हाई टेम्प्ररी गवर्नमेंट, अगेन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। थर्ड में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इज एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये कैसे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट आप कुछ काम कर नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं कर सकते, मतलब गवर्नमेंट भी बंदी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और भी एग्जाम्पल है इस पे, तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जो हमारे यहाँ होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट्स, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं। मैंने बहुत बेसिक लिखा है, ये प्रीलिम्स में आता है जो हम आगे डील करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स क्या होते हैं आगे वीडियो लेक्चर सीरीज में समझेंगे, अभी आप याद कर लीजिए प्रीलिम्स पर्पस से। 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में आपके एग्जाम में आ सकता है, तो दिस यू कैन नोट इट डाउन, 22 पार्ट्स, 395 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। इट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसको आगे हम डील करेंगे कि ये कौन से क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे डील करेंगे, आगे पता चलेगा आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो है बेसिक में वो है ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट के टोटल 3 ऑर्गन होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर और तीसरा होता है जुडिशरी। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, देखिए अपने यहाँ आपको पता है लॉ बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दोज हु मेक्स द लॉ, जो कानून को बनाते हैं, दोज हु मेक्स द लॉ आर नोन एज लेजिस्लेचर, ठीक है भाई। लॉ बना दिया, अब लॉ को एग्जीक्यूट भी तो करना पड़ेगा, तो जो लोग लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, मतलब इंप्लीमेंट करते हैं, उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। अब भाई आपने लॉ भी बना दिया, आपने लॉ को इंप्लीमेंट भी कर दिया, अब लॉ को प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दोज हु प्रोटेक्ट द लॉ आर नोन एज जुडिशरी, ठीक है। ये 3 ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड
जुडिशरी। अब एक एग्जाम्पल अगर देखना चाहें तो देखिए, हम सबसे लेजिस्लेचर को लेते हैं, दोज हु मेक्स द लॉ। तो दोज हु मेक्स द लॉ, आपको भी पता है हमारे यहाँ आपने एक शब्द सुना होगा पार्लियामेंट करके, ठीक है, और आपने एक स्टेट में सुना होगा स्टेट लेजिस्लेचर। ऑफकोर्स देयर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वॉट लेजिस्लेचर, क्योंकि ये लॉ मेकिंग बॉडी है, ये लॉ को बनाती है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब मैंने बहुत बेसिक से आगे लिख भी रखा है, पार्लियामेंट में आपने सुना होगा, पार्लियामेंट वैसे तो तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। बट अभी हम पूरा डील नहीं कर रहे हैं, एक बेसिक पता होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर होता है लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में भी मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा में भी मेंबर्स होते हैं, इन दोनों के मेंबर्स को हम एक नाम देते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो लोकसभा का भी जो मेंबर होगा उसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे, जो राज्यसभा का होगा उसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहेंगे। तो डिफरेंस क्या हुआ, तो इसलिए हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, तो पार्लियामेंट केंद्र की बॉडी है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल में है, ठीक है। ऐसे स्टेट्स में भी लॉ मेकिंग बॉडी होती है तो कहते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके ये भी दो हाउसेस हैं, इसमें भी मैंने लिख रखा है SLA और SLC। इसका मतलब क्या है, SLA का मतलब होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जिस तरह लोकसभा होती है वैसे ही स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसको हिंदी में आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा विधानसभा, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ही हम विधानसभा कहते हैं। नेक्स्ट लिखा मैंने SLC, इसका मतलब क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसका भी फेमस वर्ड नाम है हिंदी में, से कहते हैं विधान परिषद हिंदी में। तो ऑलवेज रिमेंबर ये दो हाउसेस भी होते हैं, बट स्टेट में दो हाउसेस हर जगह नहीं है, ऐसे सिर्फ 7 स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स, 7 स्टेट्स जहां पर दो हाउसेस हैं, वरना हर स्टेट में सिर्फ आपके एक हाउस होता है। अभी 7 स्टेट्स कौन से हैं जहां पर दो हाउसेस हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। पहला है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है आंध्र प्रदेश, फिफ्थ है तेलंगाना, सिक्स्थ है आपका महाराष्ट्र, और 7th जो है वो है आपका कर्नाटका। तो ये 7 स्टेट्स है जहां पर विधान परिषद है, ये आपको याद रखना है, प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं MLA, इसका मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि वो लेजिस्लेटिव असेंबली में आ रहे हैं। और ऐसे जो व्यक्ति लेजिस्लेटिव काउंसिल में आते हैं उसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। तो ये कीवर्ड है, याद रखिएगा, MLA, MLC, आपने विधायक शब्द सुना होगा, विधायक इसी को बोला जाता है जो स्टेट्स में होते हैं, और जो केंद्र में होते हैं उसका आपको सांसद कहा जाता है, ठीक है। तो MPs को ही हिंदी में सांसद कहा जाता है। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखिए यहाँ पर दो हाउस हैं कि नहीं, पार्लियामेंट में दो हाउस लिखे हैं कि नहीं, मैंने लोकसभा और राज्यसभा जो कि फिक्स है, इसीलिए हम इसको कहते हैं जहाँ दो हाउसेज होता है उसके लिए हमने एक वर्ड रखा है, उसे हम कहते हैं बाइक्रैमलिज्म। बाइक्रैमलिज्म का मतलब होता है दो हाउस होना, तो हमेशा सेंटर में दो हाउसेस होते हैं इसलिए सेंटर में बाइक्रैमलिज्म है। और स्टेट्स में अगर दो हाउसेस हैं तो ठीक है, बाइक्रैमलिज्म आप कह सकते हो, लेकिन अगर किसी स्टेट में एक ही हाउस है, जैसे कि मध्य प्रदेश, वहां पर सिर्फ एक हाउस है, विधानसभा ही है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही है सिर्फ, तो हम उसको कहेंगे जहां एक हाउस होगा उसको हम कहेंगे यूनिक्रैमलिज्म। यूनिक्रैमलिज्म यूनिकैमरलिज्म, इसका मतलब होता है सिंगल हाउस, ठीक है। तो 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बाइकैमरलिज्म है, मतलब दो हाउस हैं, बट रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में सिर्फ एक हाउस है, दैट इज यूनिकैमरलिज्म। अब दो हाउस क्यों होते हैं, एक हाउस क्यों है, ये आगे जब हम डील करेंगे तो आपको बताया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जुडिशियरी। जुडिशियरी से पहले हम डील करेंगे एग्जीक्यूटिव को। तो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, जो लॉ को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। अब देखो इंप्लीमेंट तो दो लोग करते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और दूसरे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब जैसे कि आपका प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, ठीक है, ये भी लॉ को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। क्या ये परमानेंट होते हैं, नहीं, ये तो होते हैं टेंपरेरी, क्योंकि 5 साल में हो सकता है ये हट भी जाए, तो इनको हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, दे आर टेंपरेरी एग्जीक्यूटिव, दोसू इंप्लीमेंट द लॉ। और अगले होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, जैसे कि IAS लॉ भी आपने सुना होगा, जो एग्जीक्यूट करते हैं, और ये परमानेंट होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव को, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो रिमेंबर, दोसू इंप्लीमेंट द लॉ आर नोन एज एग्जीक्यूटिव, दोसू मेक द लॉ आर नोन एज लेजिस्लेचर, और लास्ट जो ऑर्गन है
इसे कहते हैं हम जुडिशरी। तो जुडिशरी में आपको याद रखना दोज़ हू प्रोटेक्ट द लॉ, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। इसके बारे में आगे भी हम बहुत इंपॉर्टेंट डील करेंगे, अभी बेसिक आप याद रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब जुडिशरी के अंदर आएंगे जो आगे हम डील करेंगे। तो ये तीन ऑर्गन्स हैं अपनी गवर्नमेंट के, ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, मैंने साइड में लिख रखा है यहाँ पर, छोटा सा एक टॉपिक है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। देखिए पार्लियामेंट अभी अपन ने देखा लेजिस्लेचर का ही पार्ट है, ऑफकोर्स लेजिस्लेचर का पार्ट है। इसमें दो पार्ट लिखी है, एक लिखा है लोकसभा और एक लिखा है मैंने राज्यसभा, ठीक है। आपको ब्रीफ में बता रहा हूं, लोकसभा में जो इलेक्शंस होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वहां के मेंबर्स, मतलब पब्लिक डायरेक्टली वोट करती है, जबकि राज्यसभा में रिमेंबर वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते, मतलब पब्लिक हम लोग उनको वोट नहीं करते। अब कैसे वोटिंग होती है वो आगे डील करेंगे, बट स्टिल बेसिक आपको पता होना चाहिए। लोकसभा में जो मेंबर्स जाते हैं दे रिप्रेजेंट पीपल एट द सेंटर, लोगों की द्वारा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो रही है। आप देखिए लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टली, पब्लिक वोट कर रही है डायरेक्टली और जीत के जा रहे हैं। बट इन द केस ऑफ राज्यसभा पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करती है। मैं आपको अभी बता भी देता हूं अगर आपको डाउट हो रहा है कि राज्यसभा में कैसे आते हैं इलेक्टेड। तो जो अगर हम स्टेट्स में पहुंच जाएं, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम विधानसभा कहते हैं, यहां के मेंबर्स चूज करते हैं राज्यसभा के मेंबर्स। अब कैसे चूज करते हैं ये आगे डील करेंगे, बट ध्यान रखिएगा दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ये शब्द याद रखिएगा, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड एंड दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और यहां पर ये दे रिप्रेजेंट स्टेट एट द सेंटर, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटर में, जबकि ये पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंटर में। ध्यान रखिएगा लोकसभा बहुत पॉपुलर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, तो यहां अपन ने पॉपुलर हाउस लिख दिया है। लोकसभा को अपन लोअर हाउस भी कहते हैं, ये भी आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, है ना, कितने मेंबर्स होते हैं, क्या होता है, आगे डील करेंगे, बट लोअर हाउस पता होना चाहिए आपको। ऐसे राज्यसभा को अपन अपर हाउस कहते हैं, क्या कहते हैं अपन, अपर हाउस, ठीक है। तो ये अपना बेसिक पार्ट था जो मैंने आपको एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बता दिया, बेसिक्स ऑफ पॉलिटी। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम आपको पॉलिटी के बारे में आगे एक बेसिक कवर करेंगे और उसके बाद हम अपने चैप्टर सीरीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो इन नोट्स को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और इन नोट्स का हैंड आउट या रिटन नोट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, इवन सॉफ्ट कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। Thank you.